किसी भी देश में कोई भी दवाई, कोई भी नई ड्रग अगर लॉन्च होती है, अगर वो मार्केट में आती है लोगों के इस्तेमाल के लिए, मरीजों के इस्तेमाल के लिए, तो उससे पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, कई कमेटीज बैठती हैं सरकारी गैर सरकारी, वो उस ड्रग की एफिकेसी एफिशिएंसी, उस वैक्सीन की एफिशिएंसी को चेक करती हैं और उसके बाद उसे मार्केट में लॉन्च किया जाता है उस कंपनी के द्वारा। और अब वो बात अलग है कि ये दवाइयाँ, ये वैक्सीन कितना असर करती हैं, कितना बीमारियों को कंट्रोल करती हैं, क्योर करती हैं, इनमें होता क्या है, उन चीज़ों को एक बार साइड में रख देते हैं, बात कर लेते हैं जो चल रहा है। ये दवाइयाँ, वैक्सीन्स और जितने भी ड्रग आते हैं, ये ट्रायल से गुजरते हैं, उसके बाद मार्केट में लॉन्च होते हैं, उसके बाद आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो केस सामने आया है, उससे इतना पता लग गया है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ लोगों को पैसा चाहिए, आप पैसे दीजिए, ड्रग के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर दांव खेलने के लिए और उनको दांव पर लगाने के लिए यहां पर बड़े आराम से आपको लोग मिल जाएंगे जो इन कमेटीज में बैठे होते हैं, जो गैर सरकारी और सरकारी तंत्र में हैं। उन्हें आप कुछ लाख रुपए दे दीजिए, वो कुछ लाख के ऊपर ही करोड़ों लोगों को मारने के लिए हामी भर लेंगे, आपकी क्लियरेंस कर देंगे। दवाई कंपनी को सिर्फ दवाई बेचनी है, उसे अपने प्रॉफिट से मतलब है, जेब में पैसा आना चाहिए, अकाउंट शीट में पैसा आना चाहिए। और ये जो कमेटीज में ये जो ऑफिशियल्स होते हैं, ये जो बाबू लोग होते हैं, इन्हें अपनी जेब में पैसा चाहिए, इसके अलावा इन्हें लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। चंद लाख रुपए के लिए कोई भी मरे, कोई भी जिए, कितने भी लोग तड़पे, इन्हें उन चीज से कोई भी मतलब नहीं है। किसी भी तरीके से इनमें कोई भी दया नहीं है, कोई भी भावना नहीं है आपके मरीज के लिए, चाहे वो कितनी ही बुरी मौत क्यों ना मरे। आप देश के ऑफिशियल आंकड़े गिन लीजिए, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो भारत सरकार देती है, उसके हिसाब से लगभग 8 करोड़ लोग इस देश में डायबिटीज हैं। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, जो जो एक्चुअल आंकड़े हैं, जो सही मायने में फिगर होगा वो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा लीजिए। मेरा ये मानना है लगभग 10 करोड़ के, 12 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा जरूर होगा। इसके बाद कुछ लोग प्री डायबिटिक भी होते हैं। प्री डायबिटिक मतलब उनकी डायबिटीज, उनका ब्लड शुगर लेवल इस लेवल पर होता है कि किसी भी वक्त उन्हें डायबिटीज होती है। इतने आधे लोग तो जरूर है, मतलब 7-8 करोड़ के, आधे 4 करोड़ के आसपास। तो सरकार ये मानती है लगभग 12-13 करोड़ आज के दिन डायबिटिक और प्री डायबिटिक है। इनमें से हजार नहीं, लाख नहीं, कई करोड़ को इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, जो आज सरकार ये कहती है कि डायबिटीज की बीमारी के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं और उसकी एक बेहतरीन दवा है, ये सरकार मानती है। अब इंसुलिन एस्पार्ट एक इंजेक्शन है जो बायोकॉन कंपनी बनाती है, जो बायकॉन कंपनी ने बनाया है, और बायकॉन कंपनी पर अब एक आरोप लगा है सीबीआई ने। उसके एक ऑफिशियल को गिरफ्तार किया है कि उसने ब्राइब दी है। क्यों दी है और किसे दी है? अपने एक बिचौलिए सिनर्जी नेटवर्क के माध्यम से एस ईश्वरा रेड्डी, जो जॉइंट ड्रग कंट्रोलर हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के, उनको 4 लाख रुपए की ब्राइब दी है। किस लिए दी है? कि उनका जो इंजेक्शन है, इंसुलिन एस्पार्ट इंजेक्शन है, डायबिटीज के लिए जिसका काम होता है, ठीक क्योर करने में, कंट्रोल करने में जिसका काम होता है, ताकि उसके तीसरे फेज के, थर्ड फेज के ट्रायल को स्किप कर दिया जाए। मतलब वो थर्ड फेज का ट्रायल वो उन्हें करना ही ना पड़े अपने ड्रग के लिए। क्यों? ताकि थर्ड फेज के ट्रायल में जितना समय खराब होता है वो बच सके और उनका ये ड्रग लॉन्च हो सके मार्केट में, और वो इस ड्रग से लाखों करोड़ों रुपए मुनाफा कमाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एस ईश्वरा रेड्डी को, जॉइंट ड्रग कंट्रोलर को, जिसने जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमने वैक्सीन, अब ये जो कोरोना की वैक्सीन लॉन्च हुई थी, इसी ऑर्गेनाइजेशन से जो है ट्रायल्स हुए थे, इसी ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल मिला था, तब जाकर पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन और अलग अलग जितने भी ड्रग पास होते हैं वो इन्हीं की अप्रूवल से लगते हैं। तो इन्होंने 4 लाख रुपए दिए ताकि
इसका थर्ड फेज का जो ट्रायल है वो स्किप किया जा सके, उसे न करना पड़े, आराम से प्रॉफिट कमाए। उसके बाद इस इंजेक्शन से चाहे लोग मरे, चाहे लोग तड़प तड़प के मरे, या लोगों को बीमारी ठीक हो न हो, कंट्रोल हो डायबिटीज न हो, उसकी वजह से कोई और बीमारी हो जाए, उससे उसी उसकी मौत हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप इस चीज को कोर्ट में जाकर जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि डायबिटीज जो है कंट्रोल नहीं हुई इस ड्रग के कारण, जिसकी वजह से और बीमारियां लगी या इसी की वजह से मेरे मरीज की मौत हुई है। भारत में हम सभी जानते हैं कि ये जो कानून है कितने लचीले हैं, और आप इन्हीं जो कानूनों को अगर अमेरिका में देखें या और किसी यूरोपियन कंट्री में देखें तो वो भारत से थोड़े बहुत सख्त कानून जरूर हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर भी ये जो कंपनियां हैं इनके ऊपर जो केसेस होते हैं उनमें अधिकतर केसेस में कुछ भी इनके खिलाफ प्रूव नहीं होता, क्योंकि इनके बड़े बड़े वकील होते हैं, सब कुछ इनकी मुट्ठी में होता है। आपका वकील क्या करेगा, आप क्या करेंगे, कहां तक लड़ाई लड़ेंगे? कहने का मतलब है कि 4 लाख रुपए के लिए लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों की, उनमें से जितने इंसुलिन लेते हैं उनकी जिंदगी दांव पर है, किसी को कोई मतलब नहीं था, और चंद लाख रुपए के लिए ये इतने लोगों को मरने के लिए छोड़ सकते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया में आज जानते हैं कि फार्मा कंपनीज पूरी दुनिया के, मैंने इस पर डिटेल में बात की थी जो है वीडियो में, कि किस तरीके से पूरी दुनिया की नदियों के पानी को ये जहर बना रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही पानी आज पीने के लिए, खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें इनके ट्रेसेस ना हो, और इनके ट्रेसेस से एक तरफ नदी का जो सिस्टम है वो तो बिगड़ ही रहा है, दूसरी ओर जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, दवा काम नहीं कर रही, आपका परिवार का सदस्य या कोई भी जब एडमिट होता है उसके बाद डॉक्टर कह देता है हमने तो पूरी कोशिश की, दवाई काम नहीं कर रही थी। दवाई काम करेगी किस तरीके से? आप उस पानी में भी एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, खाने में आज एंटीबायोटिक्स आ रहे हैं, हर तरीके से जब, हर तरफ से जब हर रोज व्यक्ति एंटीबायोटिक की कोई ना कोई डोज लेगा तो एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस पैदा होता है, और खुद एलोपैथी आज खुद जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो रिसर्च की संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये मान रही हैं कि आने वाले समय में 2050 तक बीमारियां तो दिक्कत देंगी ही देंगी, उनकी वजह से मौतें तो होंगी ही होंगी, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस की वजह से हर साल हमें 1 करोड़ मौतें जो है देखने को मिलेंगी। इतना बड़ा आंकड़ा है, इनकी वजह से ये समस्याएं हो रही हैं जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और इनके लिए कोई भी, इनके लिए आपके या आपके मरीज की या आपके परिवार के सदस्य की जान जान नहीं है, इनके लिए तो बस वो एक शरीर है जिसमें आपको 10-20-50 हजार, बड़ी बीमारी हो 5 लाख-10 लाख रुपए तक की दवाइयां उसके अंदर ठूसनी है, उसके बाद वो मरे जिए या कुछ भी करे, ये चीजें आज चल रही हैं, ये चीजें आज हो रही हैं, और ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरे भारत में इस ड्रग को लॉन्च होना है, हालांकि किरण मजूमदार जिनका बार बार हमने नाम सुना है, वो बायोकॉन के जो प्रोमोटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारी कंपनी इस तरीके का काम नहीं करती है, और ये सब झूठे हैं, ये जब आरोप जो लगाए गए हैं वो झूठे हैं। और आप लॉबी देखिए कि सीबीआई ने जब रिमांड की मांग की तो लोअर कोर्ट ने मना कर दिया कि वो कोई रिमांड नहीं देंगे, के लिए हैंडओवर नहीं करेंगे इन्हें, जिन्हें पकड़ा गया है, ईश्वरा रेड्डी को और इस कंपनी के एक ऑफिशियल को। उसके बाद सीबीआई हाई कोर्ट में गई जहां उन्होंने बोला कि सिर्फ 1 दिन का रिमांड लिया जाएगा। अब समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी लॉबीज हैं। खैर, इस पर कोई भी अगर आप ये कहें कि इसका क्या समाधान है, तो इसका समाधान इतना ही है, नेचुरोपैथी आयुर्वेद की तरफ जाइए, अगर आपके पास इमरजेंसी नहीं है तो दवाइयों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, अपने शेड्यूल को ठीक कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके अलावा आपके पास कोई समाधान नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपके पास समाधान। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।